उसके घर से निकले और हम जा रहे हैं डेसेंडॉर्फ। डेसेंडॉर्फ के अंदर काफ़ी कुछ दो तीन अच्छी अच्छी जगह हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे। एक घंटा दो घंटा है डेसेंडॉर्फ, 3 घंटा मैक्स घूमेंगे और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट अपना सामान लेते ही सामान समेत वापसी। हमें एक क्रिकेटर मिला है, भाई को इंट्रोड्यूस करा। मतलब भाई ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, जिसे हमें पता नहीं था इनके बारे में। अभी अभी हमें पता चला है इनके। पैसे दो पूरा वसूल किया भाई, 50 यूरो दो, 4-5 टेस्ट मैचेस खेलो भाई। भाई नीदरलैंड के साथ क्रिकेट स्कीम बता रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको क्रिकेट का शौक है ज्यादा फीस है इसकी। हाँ, इंग्लैंड के साथ खेल चुके हैं और इंटरनेशनली, और अब ये पाकिस्तान की अवाम बाबर खान के भाई के पास भेजो, ठीक है, जो पिछले तुम वर्ल्ड कप करके आए हो ना, इनके साथ भेजो, थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे नीदरलैंड्स वालों के साथ, इनकी उठक बैठक है उनके साथ। ट्रेन स्टेशन पे आ गए, ठीक है, यहाँ से हमें डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के डेसेंडॉर्फ का स्टेशन पर उतरना है और फिर वहाँ से आप लोग को पूरा डेसेंडॉर्फ की जर्नी आज दिखाएंगे, वहाँ के व्यू पॉइंट दिखाएंगे, वहाँ के मॉन्यूमेंट दिखाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। पहले मैं हाँ, आपको सबसे पहले, आप दूसरे, आप तीसरे, आप 4, 5, 6, 7 ये कुछ भाइयों ने और बहनों ने हमारे साथ ज्वाइन करा है। अभी हम जा रहे हैं डेसेंडॉर्फ, वहाँ पर फिर हम देखेंगे तुम यार बाबर आजम के भाई को दिखाओ उसको। हम लोग आ गए हैं डेसेंडॉर्फ के मेन स्टेशन पे, ठीक है, अब यहाँ से हम आगे जाएंगे और सारा म्यूजियम का हिसाब देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और मैंने यूजुअली देखा है टिकट्स ऑन गेट मुश्किल होता है, पहले से अरेंज करना होता है, तो लेकिन अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं और एसबान पकड़नी है, एसबान से 2 स्टेशन, फिर उसके बाद हम म्यूजियम पर पहुँच जाएंगे, तो होपफुली फिर वहाँ से सारा हिसाब देख लेंगे। हम लोग म्यूज़ियम आ गए, ठीक है, बड़ा अच्छा सा म्यूज़ियम लग रहा है ये, बेसिकली बैलून म्यूज़ियम है, ये बड़ा मशहूर म्यूज़ियम है, ठीक है, डेसेंडॉर्फ का। हम लोग एंटर हो रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर, सो चार कलर से लाइट है, लेट्स सी व्हाट अवेट्स। चेक करो भाई, चेक करो, किस तरीके से लगाना है क्या।
सब अंदर छुपे हुए भाई, जिसकी भी मुंडी बाहर आएगी उसकी बजने वाली है। ये बाहर मुझे बहुत बैठी है भाई, अंदर वालों को मार रही है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बैलून वाली चीज़ देख ली, प्लास्टिक बॉल वाले फाइट कर लिया, अब एक और एग्जीबिशन की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोज। क्रिएटिव चीज़ें थी, काफ़ी इंटरेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा थे, और दैट वाज अ रियली गुड थिंग। सो अब हम यहाँ से निकलेंगे। असनौफ का ये करीब ही बहुत बड़ा अच्छा म्यूज़ियम है, इतने सारे म्यूज़ियम्स मैंने विजिट करे, बट दिस इज़ लाइक वन ऑफ द म्यूज़ियम जो मुझे वाकई में जेन्युइनली अच्छा लगा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ। यार मामला कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत लास्ट मोमेंट पे ना एक चीज़ हो गई है, मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन मेरी जो टिकट है ना, रॉयस्टलैंड टिकट, वो मेरी एक्सपायर हो गई। जब वो मैंने चेक करा तो मुझे तब पता चला, तो फिर मुझे फ्लिक्स बस करानी पड़ी, और उसका सीट्स है ना बहुत अर्जेंटली लिए मैंने, क्योंकि सीट ऑलमोस्ट फुल होने वाली थी, दो या तीन बची है, कि मेरे जितने फ्रेंड्स थे और जितने भी लोग थे वो लोग आगे चले गए थोड़ा और डेस्कटॉप का एक्सप्लोर करने, तो ये ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई है। तो बस अब क्या कर सकते, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। खैर वो बस जो आनी थी वो डिले हो गई थी, उसके चक्कर में थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर लग गया था, तो मैं बना नहीं पाया ज़्यादा कुछ। आई एम जस्ट अपडेटिंग यू नाउ, बैक टू बर्लिन, और इसी बात के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करने नहीं भूलना, शेयर करने नहीं भूलना, सब्सक्राइब करने नहीं भूलना, और बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलना, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कभी नहीं भूलना, विच इज़ बीइंग योरसेल्फ इज़ ऑसम। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।